तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू वेदरिंग विद यू स्क्रीनिंग वीलॉग। जानता हूँ ये वीलॉग जैसा दिखता नहीं है, लेकिन क्या करूँ, नहीं होता ना मुझसे, ऐसे हाथ उठाता हूँ लोग घूरने लगते हैं और फिर ऊपर से भीड़ में चिल्लाना मेरे से नहीं हो पाया, कोशिश की थी मैंने। खैर फिलहाल मेरे पास जो भी क्लिप्स फोटोज वगैरह हैं वो मैं इसमें डाल के कंपाइलेशन टाइप बना दूंगा। सो वेलकम टू वेदरिंग विद यू वीलॉग, लेट्स स्टार्ट। So a lot of crazy things happened on that day. 27th of September was really, it was like a dream. It still feels surreal to me. खैर शुरू से शुरू करते हैं। तो 27 की सुबह को मैं अपने घर से निकला, 6:45 की ट्रेन पकड़ी और लंबे सफर के बाद मैं पहुंचा फाइनली लक्ष्मी नगर, क्योंकि वही एक ठिकाना है जहां मैं रुक सकता हूं कुछ देर, थैंक्स टू उभम। खैर मैंने वहां पे कुछ देर टाइम स्पेंड किया और फिर हम वहां से 1:30-2 बजे के आसपास साकेत सिटी वॉक के लिए निकल पड़े। हमको वहां कुछ टाइम पहले पहुंचना था क्योंकि हमको #IndiaWantsAnime की टी-शर्ट्स भी बांटनी थी। हमको लगा हम बहुत पहले आ गए हैं और हमने पोस्ट करना शुरू कर दिया कि हम यहां पर हैं, जिसको टी-शर्ट चाहिए आ जाओ। लेकिन मच टू आर सरप्राइज लोग बाहर नहीं थे, लोग अंदर थे, PVR के आगे लाइन लगाए हुए थे टिकट्स के लिए। काफी लोग आए, उन्होंने टी-शर्ट्स पहनी, हम सबसे मिले, हम सबने फोटोज ली, वीडियोस बनाई और वो लोग बहुत खुश थे हम सबसे मिलकर और वो टी-शर्ट्स पहनकर बहुत ही एक्साइटेड थे। इस सब के दौरान हमारे प्रिय मित्र अंकित हमको बना रहे थे कि वो नहीं आएंगे और जैसे ही वो आए मैं कूद कर उसके पास गया और मतलब गेम मोमेंट। याओई याओई आनो सोरा। खैर फिर हम लोग उस बिल्डिंग के अंदर थे, PVR उससे एक फ्लोर ऊपर था, हम लोग नीचे ही टी-शर्ट्स बांटने की कोशिश कर रहे थे और फिर समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड, समथिंग फनी। तो एक लड़की सामने की तरफ से आई अपने मम्मी पापा के साथ और मुझे देख के बोलती है भैया मैंने आपकी वीडियो देखी थी। वो अपने पापा को फोन देकर कहती है इनके साथ मेरा फोटो खींचो। मैं डर गया, मैं अंकित को लेके आया, भाई तू इधर आ, तू मेरे साथ फोटो खींचा, मतलब मार पड़े तो मेरे को अकेले को नहीं पड़े ना अंकल की, वो साथ में पिटेंगे। इट वॉज फनी। और फिर हम ऊपर गए, हमने ऊपर भी कुछ टी-शर्ट्स बांटी, काफी लंबी लाइन थी, बहुत कुछ हुआ उधर भी। वहां पर हम बहुत सारे यूट्यूबर्स से भी मिले, नो सेनपाय, एनिमेश, सैन लॉन्डा, केन जायरो, मास्टर नेगस और भी बहुत सारे, आई एम सॉरी इफ आई एम फॉरगेटिंग समवन। वहां पे हमें कॉस्प्लेयर्स मिले, मित्सुहा जब आई तो मैं खुद उससे हाथ मिलाने पहुंच गया, हालांकि वो मेरी फैन थी एंड दैट वाज ऑकवर्ड। खैर वहां पर कॉस्प्लेयर्स देख के अच्छा लगा, मित्सुहा थी और वेदरिंग विद यू के मेन कैरेक्टर्स का भी कॉस्प्ले करके आए थे दो लोग, उनके साथ हमने फोटोज खिंचाए, बातचीत की और किमिनो वाली दीदी के साथ भी फोटो खिंचाई। ये बेवकूफ़ जापानीज न्यूज़ चैनल्स गलत लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ, ये उनकी वीडियो बना रहे हैं। मिस्टर स्टार्क आई डोंट फील सो गुड। और फिर हम अंदर पहुंच गए स्क्रीनिंग पर, मकोतो शिनकाई ने एक धमाकेदार एंट्री ली, सबके साथ फोटोज खिंचाए और हैंडशेक भी किया, मैंने भी किया। फिर वो चले गए दूसरी ऑडी में ताकि वो और लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकें और हमारी मूवी शुरू कर दी गई। और मूवी का एक्सपीरियंस ऐसा था जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, फिर भी मैंने वहाँ पे कोशिश की कि मैं बाहर निकल के थोड़ा सा कुछ शूट करूँ, तो आप देख सकते हैं। देख के हम लोग बाहर आ गए और बड़ा मजा आया, मजा ही आ गया। और ये एक चीज मिली है, तरुण को मिली थी, मैंने इंटरव्यू दिखा था नहीं उल्टा पकड़ा यार। ओके तो ये मिला है इंटरव्यू देने पर, कितने टोहो ने खुद इंटरव्यू लिया था। मूवी बहुत मजा आया और 11 अक्टूबर को जरूर आना देखने के लिए, थिएटर में देख के लाया गया, आईमैक्स का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। एनीमे मूवी मतलब थिएटर में देख के ना ऐसा लग रहा था मतलब जादू ही चल रहा है, ज्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, गार्ड आके बार बार भगा देता है। खैर मूवी देखने जरूर जाइएगा, एनिमे को बड़ी स्क्रीन पर देखना कैसा होता है, इट्स ट्रूली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मूवी खत्म होने के बाद मकोतो शिनकाई ने एक Q&A सेशन किया जिससे हमें बहुत कुछ उनके बारे में जानने मिला। मैं अपने क्वेश्चंस तो नहीं पूछ पाया लेकिन फिर भी जितना भी हमने सुना एक बात बिल्कुल क्लियर थी, दैट ही वाज सो हम्बल, ग्राउंडेड एंड डाउन टू अर्थ, ही इज ट्रूली एन अमेजिंग पर्सन, आई लव हिम मैन। This is also a game moment. खैर उसके बाद हमने बाहर आकर एक जापानीज टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें हमने बताया कि हमको ये मूवी कैसी लगी, हमारे क्या थॉट्स हैं और इंडिया में एनिमेशन का क्या स्टेटस है और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस टी-शर्ट #IndiaWantsAnime। उसके बाद हम बाहर गए, हम लोगों ने साथ में खाना खाया जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स भी शामिल थे, हमारा अपना इनसेन टीवी, सैन लॉन्डा, मास्टर नेगस, ओटाकुस्तान और भी बहुत सारे लोग थे, हमने बहुत मजे किए साथ में और हम लोग काफी देर बाद घर पहुंचे थे। टाइम
टाइम नहीं बताऊंगा वरना मेरे घर वाले मेरी वाट लगा देंगे और कभी दोबारा दिल्ली नहीं आने देंगे और 11 वाला मीटअप भी कैंसिल हो जाएगा। खैर सो दैट वाज प्रीटी मच इट। अगले दिन मैं वापस आ गया और ये एक दिन बिल्कुल सपने जैसा था एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट आई वाज एबल टू सी दिस मूवी इन इंडिया एंड दिस इज पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ। बाय।